नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ओ जेड एस्ट्रो दिनेश में। दोस्तों, जो भी मेरे भाई बंधु हैं वो थंबनेल देखकर अगर मेरी वीडियो पे आए हैं तो बड़ी अच्छी जगह पे आए हैं और बहुत कुछ आज एडवांस सीखने को उनको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों बोला है, मैंने पहले पूरी यूट्यूब पर ये सर्च किया कि एडवांस थ्योरी कोई है भी या नहीं है, किसी ने डाली भी है या किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा जो अंदाज़ा है, कि जिनको पता है बहुत कम ऐसे आचार्य हैं, उन्होंने जानबूझकर वीडियो ऐसी कोई डाली नहीं है जो एडवांस थ्योरी की है। और बहुत कुछ ऐसे हैं जिन अब तक इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो चलिए थ्योरी विद प्रैक्टिकल ये मैं आपको करवाऊँगा। ध्यान से वीडियो को देखें, ध्यान से मेरी बातों को सुने। मैं इसलिए बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता गैप दे के बातें करता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, नहीं तो अगर मैं स्पीड पकड़ लूँगा तो बहुत कम आपको समझ में आएगा। अब मैं ऐसे बताना स्टार्ट कर दूँ कि केतु का भृंगराज अवरुण द्वितीय वत्स ऐसे देवता कि मैं कुछ भी समझ में आएगा नहीं आपको। टॉपिक पे आते हैं, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपको थ्योरी देना। ठीक है, मैं कोई यूट्यूबर बनने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है जी, तो देखिए, ये एक कुंडली चार्ट है, एग्जांपल के तौर पे एक लेडीज़ का कुंडली चार्ट है। ये परसों मेरे पास ये कुंडली चार्ट आया और जैसे ही मैंने इसमें देखा तो काफ़ी कुछ अनुभव करने के लिए भी था, कुछ नया भी था। और फिर मैं उसकी तह तक गया कि ये समस्या आई है तो आई क्यों है और ऐसा इनके साथ हुआ क्यों है। ठीक है, हिट थ्योरी क्या करती है? देखिए, हिट थ्योरी के बारे में बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगे जिनमें बताया गया है कि फलाना हाउस से कोई भी हिट अगर आती है तो वो उसके ये रिजल्ट होते हैं, वो रिजल्ट होते हैं, बहुत कुछ बताया है। अगर ये नहीं तो मेरी कोई पिछली वीडियो उठा के देख लो, उसमें आपको भाव के और प्लेनेट के हिट थ्योरी के जो है ना एट्रीब्यूट मैंने बता रखे हैं। लेकिन आज जो मेरा स्पेशल कॉन्सेप्ट जो रहने वाला है वो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु पे रहने वाला है। एस्ट्रो वास्तु में हिट थ्योरी को हम कैसे अलाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से देवता पर हिट आया है और कौन से देव एनर्जी फील्ड हमारे घर में इम्बैलेंस हुई हैं और उसके क्या एट्रीब्यूट हैं। एट्रीब्यूट जो है एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा जो भी मेरे से बनेगा, लेकिन प्रत्येक देवता के क्या एट्रीब्यूट होते हैं इसका मेरा एक बेसिक और एडवांस कोर्स है, उसमें मैं सब कुछ ये सिखा देता हूँ और एट्रीब्यूट्स जो बताता हूँ वो सबसे अलग आपको एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। और उसके जो मेरे चार्जेज रहते हैं, कोर्स फीस जो रहती है, ओनली 45 देवता के एट्रीब्यूट्स के, वो 25,000 रहती है। अगर किसी को भी सीखने का कोई इच्छुक है तो इनरोल करवा सकता है खुद को। ठीक है, आपको टाइमिंग दे दी जाएगी, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बात करते हैं। इनका जो परेशानी थी, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, इनको जो परेशानी थी ये हर जगह पे फिर लिए थे, ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास, बड़े बड़े जितने तांत्रिक थे, ओझा थे। मैं ये नहीं कहूँगा ये किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं गए थे ये ऐसी जगह पे। क्योंकि हो सकता है अगर किसी एस्ट्रोलॉजर या महावास्तु के एक्सपर्ट के पास अगर ये चले जाते तो शायद इनका सोल्यूशन इनको मिल जाता। लेकिन फिर भी ये एक्चुअल में मेरे पास आए जब हर जगह से इनको निराशा हाथ लगी तो आ गए। तो मैंने इनको डेट ऑफ बर्थ के लिए इनको पूछा तो वो बोले कि ये फलाना फलाना इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये टाइमिंग है। तो कंफर्मेशन के लिए मैंने इनको दो चार बातें पूछी कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में इनका जो मकान है उसकी फेस है, जो मैन एंट्रेंस है वो ईस्ट डायरेक्शन में है और दरवाजे के ऊपर कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं टाइल्स के तौर पर। तो उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट इसको बताया। उसके बाद मैंने इनको जो हमारी अनाज की टैंकी होती है उनको वेस्ट में बताया और कुछ ग्रे कलर की अलमीरा वगैरह जो उसमें कुछ टोटल टाइप जैसे कि कछुए के तीन जो ऑब्जेक्ट थे वो भी मैंने घर से इनके में निकलवाए हैं। और उनको बताया कि सबसे पहले इनको जल प्रवाह कर दो क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसी वो दे देता है, एड है, और वो घर में कछुआ वगैरह ये रख लेते हैं कि धन की प्राप्ति होगी, धन बनेगा। तो मैं प्लीज़ उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट अपने घर पे ना रखे, खिलौने के तौर पे हो, चाहे किसी ऑब्जेक्ट के तौर पे हो या फिर आप किसी भी फ़ोटो में उसका ऑब्जेक्ट हो,
ठीक है, तो सबसे पहले उसको रिमूव कर दे आप घर से। अब चलिए बात करते हैं, इनको समस्या जो थी वो कुछ इस तरीके की थी कि इनको भूत व्याधि बताया गया, प्रेत दोष इनको बताया गया कि किसी प्रेत ने इनको जकड़ लिया है, कोई जिन पिशाच का साया है, और ऐसा बताया गया कि उनको किसी ने करवा दिया है। क्योंकि देखो बहकाने वाले काफ़ी बैठे होते हैं, वो घर के घर में ही ऐसी बातें बोल देते हैं कि उनका आपस में झगड़ा हो जाता है, सब अपनी दुकान चलाने के चक्कर में है, कोई भी जो रियलिटी है उसको ना बता के आपको फेक गाइड करेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप सब थोड़ा सा इस पे गौर करो, और साइंटिफिक जो हमारी थ्योरी है उस साइंस को आप पढ़ो। हमारे पास जो साइंस है, साइंस थ्योरी करवाते हैं सर हम, ऐसा नहीं है कि हम कोई अंधविश्वास या ब्लाइंड फेथ जैसी कोई भी बातें आपको बताते हैं चैनल के माध्यम से। मैं क्योंकि ब्लाइंड फेथ को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, प्रैक्टिकल जो होता है प्रैक्टिकल पे ही मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है, चलिए आज मैं बात करता हूँ। जैसे हिट मैंने इनका जो चेक किया था, अभी जो इनका सबसे पहले तो देख लेते हैं इनका जो टाइमिंग चला हुआ है पीरियड, वो सूर्य की महादशा। मैंने इनको ये भी पूछ लिया कि जो ये, क्योंकि पहले मैंने उनकी ही भाषा में उनको पूछा, क्योंकि आते ही अगर मैं ये बोलूँगा कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग होता है, तो शायद वो रुकते नहीं। तो मैंने उनको बताया कि ये जो 5 जुलाई 2022 के बाद इनको प्रेत ने जकड़ लिया, वो बोले जी बिल्कुल ऐसे ही है, 5 तारीख के 6 तारीख को इनके साथ ऐसी घटना घटी है। 6 तारीख को ये कहीं घूमने के लिए गए थे और रास्ते में कोई चीज़ ऐसे गिरी हुई थी, और स्पेशल इनके लिए ही उस पर टकराव हुआ उसके साथ, और मतलब जो भी फलाना फलाना जो उसने बताया, ठीक है, और उसी के साथ ये उसमें आ गई प्रेत दोष में। तो चलो मान लिया उनकी बातें मैं, लेकिन हमारी जो अलग ही थ्योरी है वो कैसे इसको अलाइन करती है प्रेत बाधा को, ये आज मैं आपको हिट थ्योरी के माध्यम से बताऊंगा। सूर्य जो जिनका पीरियड चला हुआ है महादशा में, जो एक्टिवेशन हुई है वो सूर्य की हो चुकी है। ये राशि चार्ट है, केपी चार्ट मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि केपी चार्ट में सेकंड हाउस में सूर्य है और 8th हाउस में 5 नंबर की राशि है। ठीक है, वो केपी चार्ट में है। अब केपी चार्ट में जो है, क्योंकि हिट हम जो देखेंगे वो राशि चार्ट में देखेंगे, और जो ये सूर्य हैं ये जो रिजल्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं राहु का, राहु इनका नक्षत्र लॉर्ड है। ठीक है, और शुक्र इनका सब लॉर्ड है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो सूर्य हैं ये 2 और 8, 2 और 8 का इसमें कॉम्बिनेशन है, और ये भी 8th हाउस से, हम 8th हाउस पे बात करेंगे ज़्यादा, क्योंकि स्क्रीन यहाँ पे छोटी है तो मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाऊँगा। 8th हाउस इसमें यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है, और 1st हाउस इसमें हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, इनको जो प्रॉब्लम आई वो भूत व्याधि की क्यों आई? अगर हम हिट चेक करेंगे तो सूर्य का हिट नहीं था, और केतु और राहु किसी को हिट नहीं देते, वो हिट खाते हैं। तो अभी जो हिट आया है मार्स से, इनको जो है राहु पर हिट है 180 डिग्री का। ठीक है, ये यहाँ से मार्स का राहु पर हिट है 180 डिग्री का। ठीक है, पर जैसे हिट आया तो देखिए हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले नॉर्मल हिट को अगर हम मान के चलें, हमने कहा कि इनको जो हिट आया वो 12th हाउस से और 5th हाउस से रिलेटेड आया। 12th हाउस किस चीज़ का है? पागलपंथी का भी है, पागलपन का भी है, भ्रम जो होता है राहु है, ठीक है, जादू क्या है राहु है, और 12th हाउस से और 5th हाउस से नेगेटिव हिट जब राहु पर आएगा, आस्पेक्ट आएगा, तो 5th हाउस ब्लैसिंग का है, सबसे पहले तो ये समझें। और ब्लैसिंग में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी ब्लेस्ड करना स्टार्ट कर दे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो तो वहाँ पे क्रिया क्या होगी किसी भी इंसान की, वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, एबनॉर्मल हरकतें करेगा, वो नॉर्मल बंदा नहीं रहेगा। ठीक है, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, ठीक
ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिला, क्योंकि एक हाउस बहुत कुछ देता है, अकेला एक हाउस में काफ़ी कुछ चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। अलग अलग हाउस के अलग अलग से एट्रीब्यूट होते हैं। फिफ्थ हाउस जैसे ब्लेसिंग का, हाँ ब्लेसिंग कैसी आनी स्टार्ट हो गई। मार्स क्या है? मार्स एक अग्नि तत्वों के जो है प्लेनेट है, यानी कि सबसे पहले तो हम 12th हाउस से जुड़ जाएगा, तो जो फायर है कहीं ना कहीं फायर भी, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, वास्तु के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि साउथ साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में किसी भी तरीके का इम्बैलेंस आता है, सबसे पहले बंदे में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा एंटर कर जाती है और उस घर में भी नेगेटिव ऊर्जाएं एंटर कर जाती हैं। उसके साथ साथ में डर, भय, मरने तक का डर और सपने भी बुरे दिखाई देते हैं। बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होना स्टार्ट हो जाता है जब साउथ 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 ईस्ट और साउथ डायरेक्शन इम्बैलेंस हो जाती है। तो अब इनका सबसे पहले एट्रीब्यूट हम चेक करेंगे कि राहु जो प्लेनेट हैं वो घर में किस देव ऊर्जा को रिलेट करते हैं, किस देव ऊर्जा को दर्शाते हैं। इनसे जो संबंधित देवता की जो शक्तियां हैं हमारे घर के अंदर वो कौन कौन सी एनर्जी फील्ड हैं। राहु पर्जन्य देव है, यम देव हैं, पितर देव हैं, द्वारिक हैं, पापयक्ष्म है और नाग हैं, ठीक है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए यम देव की ऊर्जा और पितर देव की ऊर्जा और द्वारिक देव। द्वारिक क्या होते हैं? द्वारिक के एट्रीब्यूट्स में आपको स्पष्ट आपको पता होगा, इसमें जो बताया गया है ये हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करते हैं द्वारिक देव, ठीक है। डायरेक्शन की तरफ जो देवता होते हैं द्वारिक देव, और इनके साथ में जो लगते हुए हमारे पितर और मृग देवता होते हैं। यम देव की शक्ति जो होती है हमारी वो तकरीबन S5 में होती है। S5 जो होती है हमारी, कैसे बताऊं तो साउथ डायरेक्शन में साउथ साउथ वेस्ट की तरफ यम देव ऊर्जा हमारी होती है घर के अंदर। अब पितर देव शक्ति, पितर देवता पे नेगेटिव हिट आना, यानी कि जो पितर एनर्जी है घर में उसका डिस्टर्ब होना, और उन पितरों के जरिए देखो जिनके पितर ऊर्जा बेस्ट होगी तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये सबको पता है। हमारे जो वैदिक संस्कृति कभी से ये बोलती आई है जिनके पितर अच्छे होंगे घर में तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, ये सच्चाई की ये सच्ची बात है, रियलिटी है, इसमें कोई फेक नहीं है, ठीक है। लेकिन पितर देवता कोई ये सोच लेता कि वो पितर देवता कहाँ से आएंगे, पितर देवता का एक स्थान होता है घर के ही अंदर होता है वो, ये नहीं है कि आपको पितरों के लिए किसी बाहर कहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में ही साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है पितर देव एनर्जी फील्ड होता है। अगर उस पर हिट आया है, वो किस तरीके का आया है, वो मार्स से आया है, मंगल प्लेनेट से आया है, 12th हाउस का, 5th हाउस का, यानी 5th हाउस ब्लेसिंग का है, 12th पागलपन का है, ठीक है। राहु क्या है? जादू है, एल्यूशन है, मैजिक है, जितना भी प्रेत दोष या कुछ भी ऐसा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये पितर ऊर्जा होती है यहाँ पे, यम देव की ऊर्जा होती है यहाँ पे। अब पितर द्वारिक और यम डिस्टर्ब होंगे ही होंगे क्योंकि हिट आया है मार्स से। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि किस देव एनर्जी फील्ड से हिट आया है और कौन से देवता डिस्टर्ब हुए हैं घर में। जब तक उनको आप बैलेंस नहीं करोगे तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको रिलीफ महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा। आप चाहे वास्तु के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को, अब कह देते हैं कि जैसे मार्स का हिट आया है, मार्स किस राशि में है, वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा से उसके ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दो, ठीक है, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से जो टॉयलेट होगी उसको वहाँ पे ब्लॉक करवा दो, या कोई राहु का कोई अन्य कोई ऑब्जेक्ट हो उसको रिमूव करवा दो, ठीक है। या हम क्या करेंगे, मार्स को हम 60 डिग्री की तरफ आगे की तरफ लेके जाएंगे, वो 120 का एस्पेक्ट बनाएगा। लेकिन ऐसा करने से भी कोई रिजल्ट नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हुई हैं वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, सबको पता है। आप वास्तु शक्ति चक्कर, जिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, जिनके पास है, उनके पास ये सब देवता के एट्रीब्यूट्स भी हैं, वो उठा के अपना चेक कर लो। राहु पे हिट आएगा,
कहाँ से आएगा, मार्स की तरफ से हिट आया 180 डिग्री का, फिफ्थ हाउस और ट्वेल्थ। अब प्रत्येक प्लेनेट का अलग अलग से एनर्जी फील्ड होती है, वो एनर्जी फील्ड क्या होती है ये हमारा स्टडी का पार्ट रहता है। इसके फुल ऑक्यूल्ट जोन वास्तु कोर्स के लिए आप इनरोल करा सकते हो। आपको प्रत्येक देवता के बारे में, प्रत्येक डायरेक्शन के बारे में, प्रत्येक प्लेनेट के देवता की जो एनर्जी फील्ड होती है उनके बारे में सब पढ़ाया जाएगा, सब बताया जाएगा, विद प्रैक्टिकल आपको साइट पर भी लेकर जाया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, आप चाहो जैसा भी आप उसी तरीके से इनरोल करा सकते हो। ठीक है, अब ये जो हिट आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही प्रत्येक हिट को हम चेक करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं था कि कौन से प्लेनेट की कहाँ पे युति है, इससे भी ऐसा हो सकता है उससे भी, क्योंकि जो भी प्लेनेट की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है तभी वो हाउस एक्टिवेट होता है, तभी उसी प्लेनेट की हिट हम लेंगे जिसका टाइम पीरियड चला हुआ है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।